हाय स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर आपका ये सिक्स्थ है, जिसमें हम पढ़ेंगे डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं वर्शिप के, या फिर भजन गाते हैं, कीर्तन या फिर कव्वाली, या फिर वो जो गॉड का जो नाम है वो साइलेंस में रिपीट करते हैं। एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव टू टीयर्स। और आपने देखा होगा कि वो इतना लीन हो जाते हैं भक्ति में या वर्शिप में, आंखों से आंसू आने लगते हैं। एंड नोटिस दैट सच इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज द लेगेसी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एंड सो दैट हैव इवॉल्वड सिंस द 8th सेंचुरी। तो हम पढ़ेंगे कि कैसे ये भक्ति जो है, सूफी जो मूवमेंट है, वो इवॉल्व हुआ था 8वीं शताब्दी। बिगिनिंग किसका भक्ति का, वर्शिप जो है कुछ सिटीज का तो एक सेंट्रल फीचर बना लेटर हिंदुइज्म, उससे इम्पोर्टेंस को गेन किया। ये जो डीटीज थी ये कौन कौन थी, जैसे शिवा थी, विष्णु थी और गॉडेसेस थी जैसे दुर्गा। ये डीटीज जो थे वर्शिप इनकी की जाती थी भक्ति के थ्रू। एक आइडिया जो है जो पॉपुलर हुआ इस टाइम में, भक्ति को एक जनरली कैसे सुना जाता है कि एक पर्सन का डिवोशन टू हिज और हर चोजन डीटी, एनी बडी वेदर रिच और पुअर, जो बिलोंगिंग बिलोंग करता है सो कॉल्ड, कोई भी चाहे वो गरीब होता था या अमीर, जो बिलोंग करता था हाई या फिर लो कास्ट को, मैन होता था या फिर वोमेन, वो भक्ति के पाथ को फॉलो कर सकता। आइडिया जो था भक्ति का वो प्रेजेंट है भगवद गीता में। ये एक सेक्रेट बुक है हिंदूज का, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं, इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब जैसे आइडिया जो है सुप्रीम गॉड का एक आइडिया आता है, इससे पहले की जो लार्ज किंगडम है वो इमर्ज हुए, डिफरेंट ग्रुप जो है लोगों का वो अपने खुद के गॉड्स और गॉडेसेस को वर्शिप करती थी। जैसे एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, स्टेट्स एंड एम्पायर्स, नए जो आइडियाज है वो डेवलप होना शुरू कर देते। आइडिया ये कि जो लिविंग थिंग्स है वो काउंटलेस साइकिल जो है बर्थ का, रीबर्थ का, उसके थ्रू पास होता है और परफॉर्मिंग गुड एंड डीड्स एंड बैड कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, के जो पुनर्जन्म का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे वाइडली एक्सेप्ट होती है। सिमिलरली जो आइडिया है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है इक्वल नहीं है बर्थ पे भी, वो इस पीरियड में ये आइडिया उभर के आता है। ये बिलीफ के सोशल प्रिविलेजेस जो है वो बर्थ से आते हैं नोबल फैमिली में या फिर हाई कास्ट में, वॉज द सब्जेक्ट ऑफ मेनी लर्न टेक्स्ट। वो सारे टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जो सोशल प्रिविलेजेस होते हैं ये एक्चुअली में आपको या तो आप नोबल फैमिली में होते हैं या फिर आप एक हाई कास्ट में आपने जन्म लिया, उसी के आधार पर आपको ये बहुत सारे लोग जो है वो यूजली बहुत सारे जो लोग हैं वो अनईजी थे इन आइडियाज़ के साथ, और वो जो टीचिंग थी बुद्धा की उसकी तरफ वो जाते हैं या फिर जैनाज की जो उसकी तरफ जाते हैं। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू विच ये पॉसिबल था सोशल डिफरेंसेस को ओवरकम करना और जो साइकिल है रीबर्थ का उसको ब्रेक करना पर्सनल एफर्ट के ज़रिए। दूसरे जो है वो इस आइडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए कि यहाँ पे सुप्रीम गॉड है जो डिलीवर करता है ह्यूमन को फ्रॉम सच बॉन्डेज। अगर हम उसको डिवोशन के साथ या फिर भक्ति के साथ हम उसको अप्रोच करते हैं, ये जो आइडिया है जो भगवत गीता में लिखा हुआ है वो पॉपुलैरिटी हासिल करता है अर्ली सेंचुरी इसके कॉमन एरा की। शिवा होते हैं, विष्णु होते हैं और दुर्गा जो है एक सुप्रीम डीटीज जो जिनको वर्शिप किया गया था एलैबोरेट रिचुअल्स कर। एट द सेम टाइम जो गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, डिफरेंट एरियाज में उनकी वर्शिप उनकी वर्शिप होती थी। तो ये उनको आइडेंटिफाई किया शिवा, विष्णु, दुर्गा के साथ। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होता है, जो लोकल मिथ है और लीजेंस है वो एक पार्ट बनता है किसका, पुराने स्टोरीज का। और जो मेथड्स होते हैं वर्शिप के जो पुराणास में रिकमेंडेड थे वो लोकल कल्ट्स में भी इंट्रोड्यूस होते हैं। इवेंचुअली पुराणास ले आल्सो लेड डाउन दैट ये पॉसिबल था डिवोटीज के लिए रिसीव करने को, क्या गॉड की ग्रेस को।
रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस, कि आपका कास्ट का स्टेटस कुछ भी है लेकिन आप जो गॉड की जो ग्रेस है उसको आप रिसीव कर सकते हैं। आइडिया होता है भक्ति का, वो पॉपुलर हो जाता है। बुद्धिस्ट और जैनाज ने जब ये जो बिलीफ है अडोप्ट किए थे, उनसे भी पहले जो आइडिया है भक्ति का वो यहाँ पॉपुलर हो जाता है। ठीक है, अब ये एक पेज है कहाँ से, साउथ इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट से, भगवत की बुक से पेज लिया गया। एक नई तरह की भक्ति जो है वो आती है साउथ इंडिया में, नयनर और अलवर। सेवंथ से नाइन्थ सेंचुरी में यहाँ पे क्या हुआ, इमर्जेंस हुआ नए रिलीजियस मूवमेंट का, जो किसने किसके द्वारा लेड था, नयानर, और जो डिवोटेड थे नयानर बेसिकली सेंट्स थे जो शिवा की जो पूजा है वो करते थे। अलवर जो है वो सेंट्स थे जो विष्णु की भक्ति में लीन थे, और ये सारी कास्टिस से आए थे, इंक्लूडिंग दोज जो जिनको अनटचेबल बोलते थे। तो अनटचेबल भी ये जो है नयानर और अलवर बने, लाइक द पुलैयर और पनार्स, ये जो शार्पली क्रिटिकल थे बुद्धिस्ट और जैनास के, और उन्होंने प्रीच किया अर्डेंट लव किसका, शिवा का और विष्णु का, एज द पाथ टू सेल्वेशन। इन्होंने क्या किया, ड्रीव किया अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। ये एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल है तमिल लिटरेचर का, जो कि अर्ली सेंचुरीज जो थी कॉमन एरा की, वहाँ पे ये कंपोज हुआ था संगम लिटरेचर। और ये इन्होंने इसको ब्लेंड कर दिया भक्ति की वैल्यूज के साथ। जो नयानर थे, अलवर थे, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, कंपोज करते थे एक्विसाइट पोएम्स, इसकी डीटीज जो थी उनकी उनकी तारीफ में, जो विलेजेस में एनश्राइन थे जहाँ पे वो विजिट करते थे, एंड सेट देम टू म्यूजिक, और फिर वो म्यूजिक के साथ जो है ये गाते थे। नयर और अनवर जो है, यहाँ पे 63 नयनर्स थे जो डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे, जैसे कि पॉटर्स थे, कुछ अनटचेबल्स थे, वर्कर्स थे, पीसेंट्स थे, हंटर्स, सोल्जर, ब्राह्मणाज एंड चीफ। बेस्ट नोन अमंग देम जो थे वो अपर थे, संबरदार थे, सुंदरार थे और मणिकवसगर थे। यहाँ पे दो सेट्स थे किसके, कंपाइलेशंस के ऑफ देयर सॉन्ग्स, जैसे तेवरम एंड तिरु वकाकम। 12 अलवर थे हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड, जो कि इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से आते हैं। बेस्ट नोन जो है वो क्या है, पेरी अलवर है, उसकी जो बेटी होती है अंदल, और सौंदरादीप पौड़ी अलवर, नम्बलवर, उनके जो सॉन्ग्स थे वो भी कंपाइल थे किसमें, दिव्या प्रधा प्रबंधम में। 10th और 12th सेंचुरीज के बीच में क्या होता है, चोला और पांड्या किंग जो होते हैं वो बहुत इलेबोरेट टेम्पल्स को बनाते हैं, बहुत सारी श्राइन्स के अराउंड जो वो विजिट करते हैं, जो विजिट होते हैं सेंट और पॉइंट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक लिंक को मजबूत कर देता है भक्ति ट्रेडिशन के बीच में और जो टेम्पल की जो वर्शिप है उसके बीच में। ये वो टाइम होता है जब जो पोएम्स है वो कंपाइल की जाती है, बिसाइड्स एगियोग्राफीज या फिर रिलीजियस बायोग्राफीज जो है अलवर की और नया नर्स की, वो भी कंपोज होती हैं। आज जो हम इन टेक्स्ट को यूज करते हैं एज अ सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन, हम भक्ति की हिस्ट्री लिखते हैं तो हम इन्हीं बुक को क्या करते हैं, रेफर करते हैं, डिवोटीज किसका, लॉर्ड का। ये एक कंपोजिशन है मणिकवसागर का। Into my vile body of flesh you came as though it were a temple of gold and soothed me wholly and saved me, O Lord of grace, O gem most pure, sorrow and birth, death and illusion, you took from me and set me free, O bliss, O light, I have taken refuge and never can I part it from you. So how does the poet describe the relationship with the deity, kaise wo describe karta hai? फिलोसोफी और भक्ति, करा जो थे एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स थे इंडिया के, ये केरला में पैदा होते हैं 8वीं शताब्दी में। एक एडवोकेट थे किसके, अद्वैता के, या फिर डॉक्ट्राइन जो थी वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो ही थॉट, उन्होंने ये पढ़ाया कि जो ब्राह्मण है ये सिर्फ ओनली या फिर अल्टीमेट रियलिटी है, ये फॉर्मलेस है और किन बिना किसी एट्रीब्यूट्स के है,
तो उन्होंने कंसिडर किया एक वर्ड को जो उनके अराउंड था, एक इल्यूजन की तरह या फिर ये एक माया है, एंड उन्होंने प्रीच किया रिनन्सिएशन किसका वर्ड का और एडोप्शन किसका पाथ का, नॉलेज का, कि लोगों को नॉलेज का जो पाथ है उसको अडोप्ट करना चाहिए अगर उनको ट्रू नेचर जो है ब्राह्मण का उसको समझना है और सेल्वेशन को अटेन करना है। रामानुजा ये एक तमिल फैमिली में बोर्न होते हैं और इनका जो बर्थ होता है वो होता है 11th सेंचुरी में, जो कि एल्वर से डीपली इन्फ्लुएंस होता है। उनके हिसाब से बेस्ट मीन जो है अगर आपको अटेन करना है सेल्वेशन, तो आप विष्णु को, विष्णु की भक्ति में आप लीन हो जाओ। विष्णु जो थे वो एक डिवोटी थे जो एक जो हेल्प करते हैं अटेन करने के लिए एक ब्लिस, किसका, यूनियन का उनके साथ। तो उन्होंने प्रोपाउंडेड किया डॉक्ट्राइन किसका, डॉक्ट्राइन किसका, वैशिष्ठा वेदा या फिर क्वालिफाइड वननेस इन दैट, कि जो सोल है जब वो यूनाइट होती है सुप्रीम गॉड के साथ तो वो डिस्टिंक्ट रहती है। रामानुजन की जो डॉक्ट्राइन है वो इंस्पायर होती है, न्यू स्टैंड को इंस्पायर करती है भक्ति का, जो नॉर्थ इंडिया में फिर आगे चल के डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आपका बसवन्नास फिरा शैजम। हमने नोटिस किया था कि जो कनेक्शन है तमिल भक्ति मूवमेंट के बीच में और टेंपल वर्शिप के बीच, ये जो था दिस इन टर्न लेड टू ए रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द फिरा शेवा मूवमेंट इनिशिएटेड बाई बसवन्ना एंड इज कंपेनियन लाइक अल्लामा प्रभु एंड अक्कमा देवी। ये जो मूवमेंट है ये कर्नाटका में शुरू होता था mid-12th century में, और वीरा शैवास जो थे उन्होंने आर्ग्यू किया था स्ट्रॉन्गली फॉर द क्वालिटी इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, के जितने भी ह्यूमन बींग हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और ये ब्राह्मणिकल जो आइडियाज थे कास्ट के बारे में और इनके अगेंस्ट थे, एंड द ट्रीटमेंट ऑफ विमेन, जिस तरह से विमेन के साथ बर्ताव किया जाता था उसके भी अगेंस्ट थे। देवर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। ये किसके अगेंस्ट थे, जैसे आप आइडल की वर्शिप करते हैं या फिर जो रिचुअल परफॉर्म करते हैं उन सब के अगेंस्ट ये थे। भक्ति मूवमेंट दक्खन में 13th से 17th century तक महाराष्ट्र ने बहुत सारे जो सेंट जो पॉइंट्स हैं उनको, उनका नंबर देखा, जिनका जो सॉन्ग था वो सिंपल मराठी में था, और ये जो सॉन्ग थे वो इसलिए कंपोज किए गए ताकि वो लोगों को इंस्पायर कर सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था इनके अमंग देम वो था दन्यानेश्वर या फिर ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, एज वेल एज विमेन लाइक साखूबाई, और जो फैमिली थी किसकी, चोखा मेला की, जो बिलोंग करते थे अनटचेबल महर मेहर कास्ट। तो ये जो रीजनल ट्रेडिशन था भक्ति का फोकस्ड हुआ था किसने, फोकस ऑन द विथाला, विथाला पे इसने फोकस किया जो कि विष्णु की ही एक फॉर्म थी। ठीक है, टेम्पल इन पंधारपुर एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ ए पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल, कि एक पर्सनल गॉड भी है जो सबके दिलों में रहता है। ये जो सेंट पॉइंट्स थे इन्होंने जितनी भी तरह की रिचुअलिज्म थी उन सबको रिजेक्ट किया। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ आउटवर्ड आउट आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ आईटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो जो सेंट पॉइंट थे उन्होंने जितनी भी रिचुअलिज्म की फॉर्म थी उनको क्या किया, रिजेक्ट किया। और जो भी पाइटी था या फिर जो सोशल डिफरेंस बर्थ के बेसिस पे उन्होंने रिजेक्ट किया, इनफैक्ट उन्होंने रिजेक्ट किया आइडिया किसका, रिनन्सिएशन का, और अपनी फैमिलीज के साथ रहने उन्होंने प्रिफर किया। ठीक है, उन्होंने प्रिफर किया कि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करेंगे जैसे कि कोई एक दूसरा व्यक्ति करता है, जबकि वो हमली फेलो ह्यूमन बीइंग्स को सर्व करेंगे जब भी उन्हें ज़रूरत हो। तो एक न्यू जो ह्यूमैनिस्ट आइडिया था इमर्ज हुआ एज दे इंसिस्टेड दैट भक्ति जो है वो ले इन शेयरिंग अदर्स पेन, जब हम दूसरों का दर्द अपने साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि भक्ति जो है वो, यहाँ भक्ति का मतलब ये भी है कि जब आप दूसरों का दुख दर्द शेयर करें
फेमस जो गुजराती सेंट थे नरसी मेहता, उन्होंने कहा था कि दे आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। यहाँ पे वैष्णवाज है जो दूसरों का जो दर्द है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। फिर आता है नथपंथी, सिद्धाज एंड योगीज। एक नंबर जो है रिलीजियस ग्रुप का वो भी इमर्ज होते हैं इस पीरियड में, जिन्होंने रिचुअल और दूसरे एस्पेक्ट्स जो है कन्वेंशनल रिलीजन का और सोशल ऑर्डर को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने सिंपल लॉजिक और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स यूज किए। अमंग देम ये कौन कौन थे जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे? नथपंथीज थे, सिद्धाचरास थे और योगीज थे। उन्होंने जो रेनन्सिएशन है वर्ड की उसको एडवोकेट किया। उनके लिए जो सेल्वेशन का जो पाथ है वो मेडिटेशन से ही हम ऑप्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे है कि वो ये कहते हैं कि फॉर्मलेस है जो अल्टीमेट जो रियलिटी, वो ये है कि जो भी गॉड है वो क्या है, फॉर्मलेस है। अब इसको अचीव करने के लिए उन्होंने एडवोकेट क्या किया, इंटेंस ट्रेनिंग इसकी माइंड की और बॉडी की प्रैक्टिसेस के थ्रू, जैसे वो योगा आसनास करते थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करते थे और मेडिटेशन करते थे। ये जो ग्रुप है ये पर्टिकुलरली पॉपुलर हुए लो कास्ट जो लोग थे उनके अमंग। उनका क्रिटिज्म था कन्वेंशनल रिलीजन को लेके, जिसने क्रिएट किया ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकम पॉपुलर फोर्स इन नदर्न इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है इस्लाम एंड सूफिज्म की बात आती है। इस्लाम एंड सूफिज्म, सेंट्स के पास बहुत सारा कॉमन था किसके पास, सूफीज के साथ। सो मच सो दैट ये बिलीव किया जाता था कि इन्होंने अडोप्ट किया बहुत सारे आइडियाज एक दूसरे के। सूफीज जो थे वो मुस्लिम मिस्टिक्स थे। उन्होंने जो आउटवर्ड रिलीजियोसिटी थी उसको बिल्कुल पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, और जो लव है और डिवोशन है गॉड का, गॉड के लिए, और कंपैशन जो है सारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, उसको उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। इस्लाम ने स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म को प्रोपोगेट किया। मोनोथिज्म मतलब कि सिर्फ एक ही गॉड है, ओनली वन गॉड, ओनली वन गॉड, या फिर सबमिशन सिर्फ किसका, एक गॉड का। 8th और 9th सेंचुरीज में जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट जो है होली लॉ का, शरीयत का डेवलप किया, और थियोलॉजी किसकी, इस्लाम की। जबकि जो रिलीजन था इस्लाम का ग्रेजुअली ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना। सूफीज ने क्या प्रोवाइड किया इसके साथ, एडिशनल डायमेंशन, जिसने एक और पर्सनल जो डिवोशन है टूवर्ड्स द गॉड, टू द गॉड, इसको प्रमोट किया। सूफी ने क्या रिजेक्ट किया, जो इलेबोरेट रिचुअल्स थे रिलीजन को लेके और जो कोड्स थे बिहेवियर के, जो रिलीजियस स्कॉलर्स जो है मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स डिमांड करते थे। उन्होंने ये कहा कि यूनियन जो है वो गॉड के साथ, मच एज अ लवर सीक्स हिज बिलोव्ड विद अ डिसरिगार्ड, के ये जो पर्सनल बेसिकली पर्सनल जो रिलेशन है गॉड के साथ उसको इन्होंने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। सेंट पॉइट्स, सूफीज ने कंपोज की पोएम जिसमें वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे थे, और रिच लिटरेचर में जिसमें वो क्या कर रहे थे, अपने अपना जो लव है उसको एक्सप्रेस कर रहे थे गॉड के। वो इंक्लूड करता था एनेक्डोट्स एंड फेबल्स जो उनके अराउंड डेवलप हुए थे। ग्रेट जो सूफीज थे सेंट्रल एशिया के वो कौन थे, गजाली थे, रूमी थे और सादी थे। नथपंथीज की तरह, सिद्धाज और योगी की तरह, सूफी ये बिलीव करते थे कि हार्ट जो है उसको हम ट्रेन कर सकते हैं वर्ल्ड को एक डिफरेंट तरीके से देखने के लिए। इन्होंने डेवलप किए इलेबोरेट मेथड किसकी, ट्रेनिंग के, जिक्र, जिक्र को यूज करके। जिक्र क्या होता है, जब हम चेंट करते हैं नाम, एक सेक्रेट फॉर्मूला, या फिर कंटेम्पलेशन समा जिसमें हम सिंगिंग करते हैं, या फिर रक्स डांसिंग करते हैं, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रेथ कंट्रोल अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर और पीर। ठीक है, पीर जो है वो मास्टर होता था। दस इमर्ज द सिलसिला, एक स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी है सूफी टीचर्स की, जो फॉलो करता है स्लाइटली डिफरेंट मेथड, तरीका किसका, इंस्ट्रक्शन का और रिचुअल प्रैक्टिस का। अब जैसे इस पेंटिंग में आप देख रहे हैं, ये कश्मीर में ऋषि ऑर्डर जो है सूफिज्म का, वो 15th और 16th सेंचुरी में यहाँ फ्लोरिश होता है। ये जो ऑर्डर था ये एस्टेब्लिश था किससे, शेख
जो नूरुद्दीन वली थे, जिसको नंद ऋषि भी बोलते थे, उनका एक डीप इम्पैक्ट रहा है लाइफ पे पीपल कश्मीर। बहुत सारे श्राइन्स हैं जो डेडिकेटेड है ऋषि सेंट्स के लिए, वो पाए जाते हैं कश्मीर में और डिफरेंट पार्ट्स में। ये बता रहा है सूफिज्म, ठीक है। सूफिज्म जो है ये एक पेंटिंग है जो सूफिज्म को डिपिक्ट कर रही है। अब बहुत सारे जो सूफीज है सेंट्रल एशिया से, वो हिंदुस्तान में सेटल होते हैं 11th सेंचुरी से वो आते। ये जो प्रोसेस थी फिर ये मजबूत हो जाती है जब दिल्ली सल्तनत बनती है, एस्टेब्लिश होती है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो सूफी है मेजर सूफी सेंटर डेवलप होते हैं ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। चिश्ती सिलसिला जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर होता है। इसका एक लॉन्ग लाइन है टीचर्स का, जैसे कि ख्वाजा मइनुद्दीन चिश्ती कि अजमेर के हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के, बाबा फरीद पंजाब, और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के, और बंदा नवाज गिजू दराज गुलबर्ग के, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक पेज है मैन्यूस्क्रिप्ट्स का कुरान का, डेक्कन में है, लेट 15th सेंचुरी का। ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी। सूफी मास्टर जो है वो असेंबलीज अपनी ऑर्गेनाइज हेल्ड करते थे, कहाँ पे उनका एक खानका होता था या फिर हो स्पाइसेस होता था। जितने भी डिवोटीज थे सारे डिस्क्रिप्शन के, जैसे मेंबर्स होते थे रॉयल्टी के, नोबिलिटी के, ऑर्डिनरी पीपल लेके, तो वो यहीं पे खानका में आते थे। यहाँ पे वो स्पिरिचुअल जो मैटर्स हैं उनको डिस्कस करते थे, सेंट्स की ब्लेसिंग लेते थे, जो भी इनकी वर्ल्डली प्रॉब्लम होती थी उसको सॉल्व करने के लिए, या फिर सिंपली अटेंड करते थे म्यूजिक और जो डांस के जो सेशन होते थे वो देखने लोग आते थे। ज्यादातर जो लोग हैं उन्होंने एट्रीब्यूट किया सूफी मास्टर्स को मिराकुलस पावर के साथ, जो रिलाइव कर सकती है दूसरों को इलनेस से और ट्रबल से। टूम या फिर दरगाह जो है सूफी सेंट का, वो एक प्लेस बना किसका, पिलग्रिमेज का, जहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं सारे फेथ के वो यहाँ पे आते थे। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट हुए नॉर्थ इंडिया में, जो पीरियड है 13th सेंचुरी के बाद, उसने देखा कि भक्ति मूवमेंट की एक नई वेव जो है नॉर्थ इंडिया में आई। ये एज थी जब इस्लाम और ब्रह्मानिकल जो हिंदुज़म था सूफिज़म था, बहुत सारी जो स्ट्रेंथ थी भक्ति की और नतपंतास की सिद्धास की योगा की, उन्होंने एक दूसरे को एक्चुअली में इन्फ्लुएंस किया। तो हमने देखा कि जो नए किंगडम थे वो इमर्ज कर रहे थे और लोग जो है वो नए प्रोफेशन ले रहे थे और अपने लिए नए रोल को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह के जो पीपल है, जैसे कि क्राफ्ट्स पर्सन हम देखे, पीसेंस देखे, ट्रेडर्स और लेबरर्स, वो जो है वो कहाँ पे जाते थे, नए ये जो न्यू सेंट्स है उनके जो सॉन्ग है उनको सुनने के लिए जाते थे और उनके आइडियाज़ को वो स्प्रेड करते थे। कुछ इनमें से थे जैसे कबीर थे, बाबा गुरु नानक थे, जिन्होंने जितने भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन थे उनको सबको रिजेक्ट कर दिया। दूसरे थे जैसे तुलसीदास थे, सूरदास थे, उन्होंने एग्जिस्टिंग जो बिलीफ है उनको क्या किया, एक्सेप्ट किया और प्रैक्टिसेस भी किया, लेकिन ये चाहते थे कि ये सबके लिए एक्सेसिबल। तुलसीदास जो है उन्होंने कंसीव किया गॉड को किसकी, रामा की फॉर्म में। तुलसीदास का जैसे कॉम्पोजिशन है रामचरितमानस, जो कि अवधी लैंग्वेज में रिटन है, और ये अवधी वो लैंग्वेज है जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज लिटरेरी वर्क। सूरदास कौन थे, एक अर्डेंट डिवोटी थे कृष्णा के, जो कृष्णा की पूजा करते थे। उनके कंपोजिशन जो कंपाइल्ड है सूर सागरा में, सुरस रावली में और साहित्य लहारी में, वो उनके डिवोशन को एक्सप्रेस करता है। ऑल्सो जो कंटेम्प्रेरी था शंकरा देवा असम के लेट 15th सेंचुरी में, उन्होंने विष्णु की जो डिवोशन था उसको एम्फेसाइज किया और बहुत सारी पोयम कंपोज की असामी लैंग्वेज में, बहुत सारे प्लेस भी कंपोज किए उन्होंने। जो नमघर की जो सेटिंग है या फिर हाउस जो है रेसिटेशन का और प्रेयर का, उसकी जो प्रैक्टिस है उसको शुरू किया, एंड प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज टू डेट। ये प्रैक्टिस आज भी कंटिन्यू होती है, ये जो ट्रेडिशन है इंक्लूड करता है सेंट, जैसे
दादू दयाल, रविदास, मीराबाई। मीराबाई एक एक्चुअली में राजपूत की प्रिंसेस थी, जो कि रॉयल फैमिली में उनकी शादी हो जाती है मेवाड़ में। 16th सेंचुरी में मीराबाई एक डिसिपल बन जाती है रविदास की। रविदास कौन होते हैं? एक सेंट होते हैं, एक कास्ट जो कंसिडर्ड है अनटचेबल। ठीक है, रविदास कौन होते हैं? अनटचेबल कास्ट थी। तो जो मीराबाई होती है वो कृष्णा की पुजारिन होती है, एंड वो उन्होंने बहुत सारे इन्यूमरेबल भजन्स भी कंपोज किए हैं। अपना जो डिवोशन है उन्होंने वो उनके प्रति एक्सप्रेस किया है। उनके बहुत सारे सॉन्ग्स आए हैं जिन्होंने अपर कास्ट के जो नॉर्म्स हैं उनको चैलेंज किया है। और जो राजस्थान में मीराबाई, गुजरात में मीराबाई बहुत ही ज़्यादा फेमस है मासिस के अमंगस्ट। एक यूनिक फीचर जो है ज़्यादातर सेंट का वो ये था कि उनका जो वर्क है वो कंपोज था किसमें? रीजनल लैंग्वेजेस में, और वो कोई भी गा सकता था। तो ये इमेंसली क्या हुए? पॉपुलर हुए, और ये हैंडेड डाउन थे ऑरली, जैसे जनरेशन से जनरेशन तक लोग जो है वो ऑरली इनको ट्रांसफर कर रहे थे। यूजुअली जो लोग होते थे, जो गरीब तबके के जो लोग थे, ज़्यादातर जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज थी और जो विमेन थी, जो जिन्होंने ट्रांसमिट किया इन सॉन्ग्स को, ऑफन एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस, अपने खुद के एक्सपीरियंस भी उन्होंने ऐड किए। दस हम कह सकते हैं सॉन्ग्स एज वी हैव देम टुडे आर एज मच एज ए क्रिएशन ऑफ द सेंट्स एज ऑफ जनरेशन ऑफ पीपल हु सैंग देम। दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आर लिविंग पॉपुलर कल्चर। तो ये हमारे जो पॉपुलर कल्चर है जो आज का, उसका ये एक पार्ट है। क्लोजर लुक देखते हैं, कबीर जो है, कौन थे कबीर? कबीर जो है वो 15th सेंचुरी से 16th सेंचुरीज के बीच में आए एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट रहे हैं कबीर। तो एक मुस्लिम जुलाहा की जो फैमिली है वो वहाँ पे इनको इनकी परवरिश होती है, और ये कहाँ पे? बनारस की जो सिटी है वहाँ पे ये सेटल होते हैं, वाराणसी। हमारे पास बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है इनकी लाइफ के बारे में, तो हमें इनके आइडियाज़ के बारे में पता चलता है क्योंकि इन्होंने एक कलेक्शन है वर्सेस का जिसको सखीज बोलते हैं या पैड्स बोलते हैं, तो इन्होंने इसको कंपोज किया था। और ये जो जो वॉन्डरर, जो भजन सिंगर होते हैं उन लोगों ने इसको गाया था। तो कुछ जो सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व इन द गुरु ग्रंथ साहिब पंचवनी एंड बिजक। बाद में क्या होता है, जो वर्सेस होती हैं वो आपको गुरु ग्रंथ साहिब में भी आपको देखने को मिलेगी। इन सर्च ऑफ ट्रू लॉर्ड, कंपोजिशन है यहाँ पे कबीर का। ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बी, हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट्स। ओ लॉर्ड वाई बम योर हेड ऑन द ग्राउंड, वाई बाथ योर बॉडी इन वॉटर। यू किल एंड यू कॉल योर सेल्फ हम्बल, बट योर वाइसेस यू कंसील। 24 times the Brahmana keeps the Ekadasi fast, while the Qazi observes the Ramzan. Tell me why does he set aside the 11 months to seek spiritual fruits in the 12th? Hari Hari dwells in the east, they say, and Allah resides in the west. Search for him in your heart, in the heart of your heart. So there he dwells, Rahim Ram. ये कबीर है जो कि एक लूम पे काम कर रही। कबीर की जो टीचिंग थी वो किस पे बेस्ड थी? एक कंप्लीट इंडीड वेहमेंट रिजेक्शन पे, क्योंकि जो रिलीजियस ट्रेडिशन थी वो रिजेक्ट करते थे। उनकी जो टीचिंग थी उसने ओपनली क्रिटिसाइज की सारी फॉर्म एक्सटर्नल वर्शिप, ब्रह्मानिकल हिंदुज्म और इस्लाम। तो प्री एमिनेंस था प्रीस्टली क्लासेस का, और जो कास्ट इसके लिए अगेंस्ट थे। अब उनकी जो लैंग्वेज है, जो जिस लैंग्वेज में वो पोइट्री लिखती है, वो एक स्पोकन हिंदी की फॉर्म थी, जो ऑर्डिनरी जो पीपल थे उस टाइम पे उसको वो समझते थे। उन्होंने कभी कभी क्रिप्टिक लैंग्वेज भी यूज़ करी, जो कि डिफ़िकल्ट है फॉलो करने के लिए। कबीर ये बिलीव करते थे कि एक सुप्रीम गॉड है जो कि फॉर्मलेस है, एंड प्रीच दैट ओनली पाथ टू सेल्वेशन वॉज थ्रू भक्ति और डिवोशन। और कबीर कहते थे कि अगर आपको डिवोशन लीन होना है भक्ति में, तो आप यही है कि भक्ति आप अपनाइए और आप सिर्फ एक ही गॉड में बिलीव कीजिए। कबीर ड्रिव हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदू
एंड मुस्लिम। तो कबीर के जो फॉलोवर थे वो हिंदू भी थे और मुस्लिम। जनरली इन्होंने जो कट्टरता थी धर्मों में उसके अगेंस्ट ये रहे हैं। बाबा गुरु नानक, हमें पता चलता है बाबा गुरु नानक के बारे में 1469 से 1559 का इनका पीरियड होता, ठीक है। अब ये तलवंडी पे में बॉर्न होते थे, ननका साहिब जो है पाकिस्तान में, और ये ट्रैवल करते हैं वाइडली बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर। डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी। रेगुलर वर्शिप होती है जो कंसिस्ट करती है सिंगिंग, किसका, उनकी खुद की जो हिम्स होती है वो गाते हैं, और ये एस्टेब्लिश करते हैं वहाँ पे अपने फॉलोअर्स के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो एक साथ खाना खाते हैं कॉमन किचन में, जो कि लंगर है, और सेक्रेड स्पेस जो है, जो गुरु नानक, जो बाबा गुरु नानक क्रिएट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, धर्मशाल। तो उसको अब हम आज क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा बोलते या फिर गुरुद्वार। अब इनकी डेथ होती है 1539 में। इनकी डेथ से पहले बाबा गुरु नानक जो थे उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स है उसको अपना सक्सेसर अपॉइंट कर दिया। उसका जो नाम था वो क्या था, लेहना था, बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद, सिग्निफाइंग दैट ही वॉज पार्ट ऑफ बाबा गुरु। गुरु अंगद जो सिग्निफाइज कर रहा था कि वो बाबा गुरु नानक का ही पार्ट है। गुरु अंगद ने बहुत सारे जो कंपोजिशन है उनको कंपाइल किया बाबा गुरु नानक की, और उसमें उन्होंने अपनी भी कुछ जो कंपोजिशन है वो ऐड करी। एक न्यू स्क्रिप्ट जो है गुरुमुखी वो यहाँ पे आई। तीन सक्सेसर जो है गुरु अंगद के उन्होंने जो है इसी में लिखा, अंडर द नेम ऑफ नानक, एंड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशन वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जुन, अर्जन इन 1604। अब इस कंपाइलेशन में उन्होंने ऐड की राइटिंग किसकी, दूसरी फिगर्स की, जैसे शेख फरीद है, संत कबीर है, भगत नामदेव है, गुरु तेग है, बहादुर है। 1706 में क्या होता है कि ये जो कंपाइलेशन है वो ऑथेंटिकेट होती है किससे, गुरु तेज बहादुर से, के संचय और उनके सक्सेसर से, गुरु गोबिंद सिंह। इसको अब गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। ये जो सिख है इनकी होली स्क्रिप्चर्स है। अब जैसे नंबर है बाबा गुरु नानक के फॉलोवर का वो 16th सेंचुरी से इंक्रीज हो जाता है। ये डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करते हैं इनके जो फॉलोवर है, लेकिन इसमें ट्रेडर्स भी होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर्स भी होते हैं, आर्टिसन आते हैं, क्राफ्ट्समैन आते हैं, ठीक है। अब ये जो है दिस मे हैव समथिंग टू डू विद बाबा गुरु नानक इंसिस्टेंस दैट हिज फॉलोवर मस्ट बी हाउसहोल्डर्स एंड शुड अडोप्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन। तो बाबा गुरु नानक कहते थे कि उनके जो जो उनके फॉलोअर हैं वो हाउस होल्डर्स होने चाहिए और वो प्रोडक्टिव और यूजफुल ऑक्यूपेशन को अडोप्ट करना चाहिए। ये क्या थे, एक्सपेक्टेड, इनसे एक्सपेक्टेशन थी कि इनको कंट्रीब्यूट करना है जनरल फंड्स, किसका, कम्युनिटी का, फॉलोअर्स का। अब जब बिगनिंग होती है 17th सेंचुरी की, तो रामदसपुर एक टाउन होता है अमृतसर में, उसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल गुरुद्वारा डेवलप हो जाता है जिसका नाम है हरमंदर साहिब, यानी कि गोल्डन टेम्पल। तो ये वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग था और मॉडर्न हिस्टोरियन इसको रिफर करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हिस्टोरियन है वो रिफर करते हैं जो अर्ली 17th सेंचुरी होती है उसको सिख कम्युनिटी एज अ स्टेट विद इन अ स्टेट। मुगल एम्पायर जहांगीर ने इसको एक थ्रेट की तरह देखा और उन्होंने क्या किया कि गुरु अर्जन का एग्जीक्यूशन करा दिया। सिख मूवमेंट जो है वो पॉलिटिसाइज्ड हुआ 17th सेंचुरी में। वहाँ पे क्या हुआ कि एक डेवलपमेंट हुआ एक इंस्टीट्यूशन का, खालसा, खालसा, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह 1699 में खालसा जो है वो उसको डेवलप कराते हैं। कम्युनिटी जो है सिख्स की, जो खालसा पंथ कहलाई थी, वो एक पॉलिटिकल एंटिटी फिर यहाँ पे बन जाती है। अब जो चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन है 16th और 17th सेंचुरी में, उसने इन्फ्लुएंस किया सिख मूवमेंट के डेवलपमेंट। गुरु बाबा नानक के जो आइडियाज है उनका एक ह्यूज इम्पैक्ट था इस डेवलपमेंट से। शुरुआत से ही उन्होंने एम्फेसाइज किया इम्पोर्टेंस किसका, वर्शिप का, कि सिर्फ एक ही गॉड है। उन्होंने इंसिस्ट किया कि कास्ट, क्रीड या जेंडर वो इरिवेलेंट था अगर आपको लिबरेशन को अटेन करना है। अब उनका जो आइडिया था लिबरेशन को लेके,
वो किसी एक वॉज नॉट दैट ऑफ अ स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस बट रादर इट वॉज दी परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट. ही हिमसेल्फ यूज द टर्म नाम डन इंसान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग विच एक्चुअली मेंट कि राइट वर्शिप होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए दूसरों का, और कंडक्ट जो जो भी आप कंडक्ट कर रहे हो उसमें पूरी प्योरिटी होनी चाहिए. उनकी टीचिंग जो है उनको अब याद किया जाता है एज नाम जपना या फिर कीर्त करना या फिर वंद रखना, जो अंडरलाइन करता है इम्पोर्टेंस किसका, राइट बिलीफ का और राइट वर्शिप का, ऑनेस्ट लिविंग का और दूसरों की मदद करने का. तो हम कह सकते हैं बाबा गुरु नानक जो थे उनका आइडिया था इक्वालिटी का, उसके सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस दोनों थे. ये पार्टली एक्सप्लेन कर सकता है डिफरेंस किसके बीच में, उनके जो फॉलोवर है उनकी हिस्ट्री के बीच में जो बाबा गुरु नानक के फॉलोवर्स थे और दूसरे जो रिलीजियस फिगर्स थे उनके फॉलोवर्स के बीच में मेडिवल सेंचुरी, जैसे कबीर थे, रविदास थे, दादू थे, जिनके आइडियाज़ बहुत सिमिलर थे बाबा गुरु नानक के आइडियाज़.